करहल सैफई बाईपास मार्ग पर, और यहाँ पर जिस तरीके से करहल में पहली बार फिल्म की शूटिंग हो रही है, और हमारे साथ फिल्म अभिनेता सत्येंद्र यादव और हीरो भैया मौजूद हैं। इनके सानिध्य में ही फिल्म शूटिंग कल चालू हुई थी, आज भी शूटिंग का सिलसिला बरकरार है। सब क्या कहना चाहेंगे? आप लोग देख सकते हैं, जैसा कि आप तो देख ही रहे हैं, फिल्म में अभिनेता बहुत ही ज़बरदस्त कलाकार है अभिमन्यु सिंह, जिसको आप लोग भोकाल और बहुत सारी वेब सीरीज वगैरह में देख रहे हैं। आज अभिमन्यु सिंह जी का एक्शन सीक्वेंस है, इनका इंट्रोडक्शन सीन है फिल्म में, केले के ट्रक से जो है उतर रहे हैं, कूद रहे हैं, और एक्शन और उनके जो साथ के जो फिल्म है तो ये अभिमन्यु सिंह का एक्शन सीन आप लोग देखिए। अभिमन्यु सिंह बहुत बेहतरीन कलाकार, इसके साथ साथ कल आपने आपको धारणा का देखा, तब आपको आगे मुकेश तिवारी समेत और बहुत सारे एक्टर दिखेंगे। अभी हम लोग कल आगरा में करेंगे, आगरा के जगनेर जो राजस्थान बॉर्डर है वहाँ पर करेंगे, फिर परसों हम लोग वापस यहाँ पर आएंगे, हाँ फिर हम लोग कहीं और दूसरी जगह करेंगे, परसों भी बहुत सारे कलाकार आपको नजर आएंगे, फिर उसके बाद हम लोग जो है फिरोजाबाद में करेंगे, फिरोजाबाद। तो ये मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि मैं पिछले लंबे समय से प्रयास कर रहा था, जैसे माननीय नेताजी ने हम सब लोगों से प्रेरणा लेते हैं, मैनपुरी को राष्ट्रीय और वैश्विक पटल पर पहचान दी और जोड़ा राजनीति से, सरकार से, समाज से। इसी तरह से हम लोग का प्रयास है कि अगर हम अभिनय क्षेत्र में हैं और एक अभिनेता हैं, तो क्यों ना हम सिनेमा से हमारे मैनपुरी को जोड़ें। जब यहाँ पर फिल्में बनेंगी, जब यहाँ पर ज़्यादा कलाकार, ज़्यादा डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सब लोग आएंगे, तो सीधी सी बात है कि हमारे मैनपुरी के तमाम लोगों को और आसपास के लोगों को जो टैलेंट है उसको मौका मिलेगा, यहाँ पर ये लोग पैसा खर्च करेंगे, रोज़गार मिलेगा हमारे लोगों को। दक्षिण भारत में अगर आप देखते हैं तो छोटी छोटी टेरिटरी हैं, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, यहाँ तक कि बांग्ला और पंजाबी भी बहुत सारी फिल्में चलती हैं और लोग देखते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ से ज़्यादा आबादी के बाद भी अभी तक हमारी फिल्म इंडस्ट्री का कोई ठिकाना नहीं है, कोई पता नहीं। तो ये प्रयास है कि उत्तर प्रदेश का सिनेमा और चमके, यहाँ पर फिल्में बने, और जिस तरह से तमिल तेलुगु आप देखिए दक्षिण भारत में लोग वहाँ कलाकारों की इतनी इज्जत करते हैं, उनको भगवान। अच्छा, जिस तरीके से आप कह रहे हैं फिरोजाबाद में शूटिंग हुई और आगरा में भी होगी और मैनपुरी में तो चल ही रही है, चार पांच दिनों का आपने जो इस फिल्म में वो दिया है, दिया है, ये काबिले तारीफ है, कहना चाहिए। थैंक यू, और आपका बहुत सहयोग है, आप सबका सहयोग है, बहुत बहुत धन्यवाद। काफी उत्साह है, पहली बार यहाँ शूटिंग देख रहे हैं। बताओ इनका जनपद है, बस सहयोग बनाए रखें ताकि आगे फिर से भी उठाए, और ये हमने प्रयास जो किया है वो सफल हुआ है, सब लोगों ने सहयोग किया है, यहाँ का प्रशासन, कानून व्यवस्था से लेकर कप्तान साहब, जिलाधिकारी महोदय, सब लोग लगातार संपर्क में, SDM साहब यहाँ पर और तमाम कई थानों से, यहाँ तक कि बेवर, मुझे लगता है बरनाल, और कई थानों का फोर्स लगा हुआ है, तो मैं इसकी सराहना करता हूँ। हमारा यहाँ कानून व्यवस्था भी सब बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर आप देख रहे हैं कितना सही है, तो ये सब लोगों का सहयोग है और आगे भी बना रहेगा, तो हम लोग और दूसरा कोई पिक्चर लेकर आएंगे। इस फिल्म में मैं एसोसिएट प्रोड्यूसर भी हूँ, फिल्म में मैं पार्टनर भी हिस्सा हूँ, तो निश्चित तौर पर मैं आज इसमें यहाँ पर हूँ तो मैं किसी और में भी रहूँगा तो उसको भी मैं लेकर आऊँगा, लेकिन हमारे लोगों को जो है मौका मिला है। आपने रोज़गार की बात करी, नए नए जो टैलेंट है निश्चित तौर पर यहाँ जो निकल कर आएंगे और उनको आप मौका देंगे, क्या कहते हैं? हाँ बिल्कुल, अरे आज से देना चालू कर दिया, कल से अभी आप देखेंगे कि कई लोग यहाँ के एक्टर जो हैं वो छोटे छोटे रोल्स कर रहे हैं। एक लड़के को तो आज ही हमने मौका दिलवाया, वो एक एक दो तीन डायलॉग भी हैं उनके, तो सीधी सी बात है अगर इनमें से कोई भी अगर अभिनय कर सकता है तो मुझे बताए, उसे संपर्क करें, मुझे बताए, मुझे करके दिखाए, और हम जो है निर्देशक से निवेदन करेंगे कि हमारे यहाँ के लोगों को मौका मिले। जैसे आज कई लोग दिन में आए थे, उन्होंने अपना नंबर दिया, अपनी फ़ोटो दी, अपने हम लोग करना चाह रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे सत्येंद्र यादव उर्फ हीरो भैया,
क्योंकि जिस तरीके से जनपद का नाम रोशन किया है इन्होंने, काबिले तारीफ है। और जो इनकी ख्वाहिश थी और जो सपना इन्होंने साकार किया है, बम्बई को करहल की धरती पर लाकर, और करहल में शूटिंग जो चल रही है कहना चाहिए बहुत सराहनीय है। और यहाँ पर आज जो कैलाश मंदिर के पर शूटिंग चल रही है, और किस तरीके से आप में के जहन में रहा होगा कि यहीं पर शूटिंग करहल में करी जाए। कोई भी सपना जो है वो बहुत भारी तपस्या, बहुत भारी संघर्ष मांगता है। मानी नेता जी आज हमारे बीच में नहीं है, जब उन्होंने इस करहल से शुरुआत की होगी तो एक बहुत बड़ा सपना उन्होंने देखा है, जो कई वर्षों के बाद यहाँ पर पहुँचा। तो ये सपना आज जो देखा है, ये कई वर्षों पहले देखा था, सफल हुआ और आगे भी बढ़ेगा। क्या कहेंगे आप? देखो, बड़ी खुशी की बात है कि हमारी इस धरती पर माननीय सत्येंद्र यादव, जिनको हीरो भैया के नाम से जानते हैं, इन्होंने इस मैनपुरी जनपद को उस ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है जैसे बॉम्बे का नाम हम लोग कभी सुनते थे, आज करहल का नाम इस पिक्चर के द्वारा सुनेंगे। इनकी देन है कि इन्होंने करहल में आकर ये शूटिंग का प्रस्ताव रखा, और इस भूमि का भी बड़ा सौभाग्य है, यहाँ की जनता जनादन का सौभाग्य है कि ऐसे हीरो को देखने का मौका मिल रहा है हम लोगों को। जो बॉम्बे में कहीं जाकर हम दो लोग देखते थे, वो यहाँ कृथ्वा की धरती पर हमें देखने को मिलता है। इस कैलाश मंदिर का भी बहुत बड़ा सौभाग्य है, और यहाँ के लोगों का भी सौभाग्य है कि हमारे हीरो भैया जैसे कलाकारों ने इस भूमि को साकार कर दिया, और अभी माननीय नेताजी ने इस जगह को ऊंचाइयों पर पहुंचाया था। आज फिल्म इंडस्ट्री ने, हमारे हीरो भैया सत्येंद्र यादव जी ने इस जगह को साकार किया और बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचाया। अच्छा, लास्ट सवाल हमारा है, हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे पूरे देश की जनता को? बिल्कुल बिल्कुल, आपका आपका बहुत धन्यवाद, आपको और आपका इंटरव्यू मैंने देखा, मैं आपका बहुत हृदय से आभारी हूँ, और आपकी पत्रकारिता जो मैं देख रहा हूँ, और बाकी मैं आप लोगों को जो है बीच में ही मुझे SDM साहब का भी फ़ोन आया, मैं जानकारी देना चाहूँगा कि DM साहब और सप्तान साहब पहुँच रहे हैं, तो जो है लोग भी और भी आ रहे हैं, तो आप उनको भी कवर करिएगा जी, वो लोगों की इच्छा हो रही है देखने की, तो हमने कहा बिल्कुल स्वागत है। अब आप देख ही रहे हैं, सब तो चारों तरफ मैसेज जा ही रहा है, सब लोग तो देखने ही आए हैं, और देखने के लिए तो हम यहाँ शूटिंग ही करवा रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। तो आपका भी इसमें सहयोग बनाया हुआ है, बहुत धन्यवाद। लोग आपके चैनल को और ज़्यादा देखें और तरक्की करें, और हम सब लोग का आपस में जो संघर्ष में एक दूसरे का साथ बना रहे हैं, बहुत धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद। ये थे हीरो भैया जो कह रहे थे, उन्होंने जो सपना जो साकार किया है उसको हकीकत, हीरो भैया का नाम तो बताना, जिस तरीके से करहल में जो शूटिंग चल रही है, दूसरा दिन है करहल में शूटिंग चलने का, कैमरा पर्सन राजा फारूकी के साथ साइमुल हसन की रिपोर्ट करहल से।